नजफगढ़ के एक फार्म हाउस में चल रही डिस्को पार्टी पर जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो वहां दिल्ली का वांटेड गैंगस्टर कटीली सागवान उर्फ नंदू कई कुख्यात गैंगस्टर के साथ जश्न मना रहा था। हैरानी इस बात की है कि इस जैसलमेर स्पेशल सेल के दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और पार्टी का मजा ले रहे थे। हालांकि पुलिस ने एक सूचना के बाद इस पार्टी में रेड डाली और मुकेश से 15 गैंगस्टर को पकड़ा, लेकिन उन पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया गया जो जैसन में शरीक थे। यह पार्टी गैंगस्टर कपिल के पैरोल पर छूटने के बाद आने की खुशी में दी गई थी। बताया जा रहा है कि बीती रात गैंगस्टर कपिल के घर में बने फार्म हाउस पर डीजे की तेज आवाज के कारण एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की और बताया कि गैंगस्टर के घर में पार्टी चल रही है जिसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिसके पास हथियार हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर रेड मारी। लार्की मौके पर से कई बड़े गैंगस्टर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया। इस संबंध में एडिशनल सीपी ए के सिंह ने बताया कि आरोपी में 12 लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है जबकि इसमें 3 पहली बार पकड़े गए हैं। इसकी पहचान नजफगढ़ निवासी विंटी वासुदेव, नवीन शाहदरा मोहम्मद निवासी सचिन अभिषेक, राहुल सेक्टर 19 द्वारका निवासी सुरेंद्र कुमार, रोशनपुर निवासी चिराग झज्जर, हरियाणा निवासी परमजीत रोहित, दीप के बहादुरगढ़ निवासी प्रदीप रावत, नवीन गोलपुरी निवासी निशांत दावेदार के तौर पर। कई इनके पास से पिस्टल और 65 राउंड बरामद किए गए।